सब्सक्राइब कीजिए अमीना बुटीक चैनल को और क्लिक कीजिए बेल आइकन पे ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, अमीना बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूं जो हमारे ब्लाउज प्रिंसेस कट होते हैं या कमीज प्रिंसेस कट होते हैं उसमें जो गुम पाइपिंग लगती है डोरी वाली, वो आपको मैं लगाना सिखाऊंगा। तो ये सीखने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगी। और ये हमारी अमीना बुटीक की एप्लीकेशन है, आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल भी कर सकते हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, ये हमारा ब्लाउज जो हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है, यहाँ पे हम प्रिंसेस कट में आपको बताएंगे कि किस तरीके से इसमें गुम पाइपिंग आप निकाल सकते हैं बहुत आसान तरीके से। और साथ ही दोस्तों, अगर आपको इसकी कटिंग सीखनी है तो आई लिंक पे क्लिक करके आप इस ब्लाउज की कटिंग सीख भी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जिस कलर की आप पाइपिंग लगाएंगे उसको आप ओरे पट्टी को कटिंग कर लेंगे। और कटिंग करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए हमारी पट्टी कटिंग कर रखी है, जोड़ जो लगाना है वो आप जोड़ वगैरह सब लगा लें। उसका देखिए हमारी ये डोरी है, तो हमें सिंपल क्या करना है, अगर आप डबल बूट से लगा रहे हैं और आपकी बड़ी मशीन है, बड़ी मशीन में आप इस तरीके से लगा सकते हैं जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले ये जो सुई होती है हमारी, आपको मैं करीब से दिखाता हूं, ये जो हमारी सुई है, हमारी सुई ये इस तरफ से गई है, बिल्कुल सेंटर में जा रही है बूट के। लेकिन आपको क्या करना है, इस बूट में इस तरीके से पेचकस लगा के आपको जो है इस तरफ करना है, उल्टे हाथ की तरफ में आपको करना है और सुई से मिला देना है बिल्कुल। तो चलिए हम इसे मिलाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल जो है सुई से मिल गया, और मिलने के बाद आप देखेंगे बिल्कुल बराबर से जो है सुई के बूट टच हो रहा है हल्का हल्का, ठीक है। बिल्कुल जब जड़ में ये टच होने लग जाए, ये देखिए जब ये बिल्कुल टच होने लग जाए, आप देखते होंगे यहाँ पे हल्की हल्की गैपिंग भी आ गई। उसके बाद आपको क्या करना है, ये आपकी देखिए उल्टी साइड है, ठीक है, पट्टी की, तो जोड़ लगाने वाली जगह पर उल्टी होगी, तो आप इस जगह पर अपनी डोरी को ऐसे रखेंगे और इस तरीके से रखने के बाद ऐसे करें और यहाँ पर आप हल्की हल्की सिलाई चलाएं। और दोस्तों, जब ये आपकी गैपिंग इतनी हो जाएगी तो आप देखेंगे मार्केट में जो है इतनी पतली डोरी ही हमेशा खरीदें आप, क्योंकि ये सबसे बढ़िया होती है और इसमें अच्छी फिनिशिंग निकलती है। कई जगह पे मोटी जो डोरी होती है उसमें काफ़ी दिक्कत होती है, तो आप पतली डोरी को ही हमेशा यूज़ करेंगे डोरी वाली पाइपिंग में। तो दोस्तों, आप इसे देखिए इस तरीके से रखें और इसे जब ऐसे पकड़ेंगे, ये ओरे पट्टी हमारी, इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ओरे पट्टी को आप इसे ऐसे पकड़ के जब सिलाई लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिक जो है आपकी सिलाई लगती चली जाएगी। देखिए, जब इस बूट के बीच में एक बार घुस गई डोरी तो ये ऑटोमेटिक चलेगी, लेकिन आप हाथ लगा के अगर करेंगे तो और ज़्यादा फिनिशिंग आएगी। तो चलिए इसे हम पूरी डोरी पे सिलाई लगा लेते हैं इसी तरीके से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए हमने जो है पाइपिंग अच्छी तरह जमा ली है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इतना इतना मार्जिन कटिंग कर लेना है बिल्कुल ऊपर तक। तो दोस्तों, जब आप इसे कटिंग कर लेंगे तो कटिंग करने के बाद आपको क्या करना है, बूट उसी पे रहने देना, आपको बूट सेट नहीं करना, ठीक है, जब तक पाइपिंग नहीं लगेगी। और हमने इसमें अलग तरीके का धागा जो है डाल लिया, जिससे कि आपको दिखा पाएं कि सिलाई कहाँ पे लगेगी, क्योंकि पीले में पीला नज़र नहीं आएगा इसलिए। अब सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप देखिए अपना ये वाला हिस्सा उठाएँ और जहाँ से आपको लगानी है, तो हम देखिए यहाँ से लगाना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा उल्टी साइड है, हम इसे इस तरीके से ओपन करेंगे, ओपन करके अपनी सीधी साइड में इसको देखिए पाइपिंग को ऐसे रखेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें, जितना आपको मार्जिन लेना है उतनी ही कटिंग करेंगे, ठीक है, हम इतने मार्जिन से दबाएंगे इसको। तो देखिए, आप इसको ऐसे रखेंगे और यहाँ पर ऐसे सेट करके इस पर सिलाई चलाएं, और इसको दोस्तों बिल्कुल कपड़े के बराबर ऐसे रखते हुए इसे सिलाई लगाएंगे पूरे गोलाई में। तो देखिए दोस्तों, हम दिखाते हैं, हमने देखिए बिल्कुल जड़ में जो है आप सिलाई देखते होंगे, हमने इस तरीके से सिलाई लगाई है। एक तो इससे आपको फिनिशिंग मिलेगी, जब हम इसमें कपड़ा जोड़ेंगे तो ये आपकी गुम पाइपिंग देखिए इस तरीके से निकल आएगी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम इसे हम कटिंग कर लेते हैं, और जो यहाँ पर हमारा एक कट होता है, हम इस कट पर देखिए हल्के से कटिंग कर लेंगे। क्योंकि ये कट से कट मिलाना ज़रूरी होता है प्रिंसेस कट के अंदर। अब दोस्तों, आपको क्या करना है, हम इसको देखिए इसी तरीके से रखेंगे अभी, और अब देखिए आपको हम दिखाते हैं। सबसे पहले आप इसे उल्टा सीधा अच्छी तरह देख लें, जैसे अब ये उल्टा हिस्सा है तो आप इसके दूसरी तरफ पहले निशान लगा लें, ठीक है। तो इधर वाला हिस्सा ये हो गया और इधर वाला हिस्सा जो है ये हो गया, तो ये वाला हिस्सा हम इसमें जोड़ेंगे। तो हम इसे हटा देते हैं अभी।
अब दोस्तों इसे हटाने के बाद देखिए हम इसको इस तरीके से ऐसे रखेंगे, और रखने के बाद ये सिलाई आपकी वहीं पे आनी चाहिए जैसे कि हमने उस पर मारी थी। तो ये आपको अंदाज़ा होगा, यहाँ पर देखिए हल्की हल्की पाइपिंग दिख रही है, क्योंकि आपको नज़र नहीं आएगी, हाथ से महसूस हो जाता है, तो जब आप लगाते रहेंगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा। आप इसे देखिए इस तरीके से लगाएं, जब एक बार बस बूट में ये फंस गया तो समझ लो आपकी बिल्कुल सिलाई ओके चलेगी। अब आप इसे देखिए इस तरीके से ऐसे रखते हुए पूरे को कल इसे प्रिंसेस कट को जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद हम दिखाते हैं किस तरीके से आपकी पाइपिंग लगेगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है, और सिलाई लगाने के बाद आप यहाँ पे ओवरलॉक कर लें, ओवरलॉक करने के बाद ये देखिए आपकी जो है पाइपिंग इस तरीके से आएगी। अभी इस जगह पे फिनिशिंग नहीं है क्योंकि प्रिंसेस कट है, आप चाहें तो यहाँ पे पैड भी लगा सकते हैं, अगर ना चाहें तो आप प्रिंसेस कट भी दे सकते हैं नॉर्मल ब्लाउज में। तो दोस्तों अब इस पर हम क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं कि इसकी कैसे फिनिशिंग रहेगी। तो देखिए दोस्तों हमने इसके नीचे गद्दी रखी थी, गद्दी पे आप इसे ऐसे रखें और इसके ऐसे प्रेस कर लेंगे, तो आप देखेंगे जो भी सलवट थी जो भी झोल था ये ख़त्म हो जाएगा। अगर यहाँ पैड लगेंगे तो और अच्छी फिनिशिंग आएगी, और आप देख सकते हैं ये हमारी गुम पाइपिंग जो है लग चुकी है, ठीक है। और इसी तरीके से सेम आप दूसरी उसमें भी लगा लेंगे तो ये आपका प्रिंसेस कट जो है तैयार हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं इसकी फुल स्टिचिंग सीखना तो आई लिंक पे क्लिक करके आप उसकी पूरी स्टिचिंग सीख सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको इसमें गुम पाइपिंग बताया कि किस तरीके से आप प्रिंसेस कट में गुम पाइपिंग लगाना सीख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को देख के आप अगर मेरे तरीके को फॉलो करेंगे तो आप बहुत आसानी से इस पाइपिंग को लगा सकते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।